हेलो व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपको एक सुंदर सा एलिफेंट वॉल डेकोर कैसे बनाते हैं ये दिखाने जा रही हूँ। मैंने यहाँ इस तरह का सीडी और दो पैकेट मोल्डेड लिया है। मोल्डेड में हमें हार्डनर और रेजिन दो पैकेट्स मिलेंगे। इन्हें हमें हाथ पर पाउडर लगा के अच्छी तरह से मिला देना है। मैंने अच्छी तरह से मिला दिया है। अभी ये सारी तरफ इवन व्हाइट कलर आ गया है, कहीं पर भी ग्रे कलर नहीं दिख रहा है। हाँ, दो मोल्डेड पैकेट इस तरह से मिला लिया है। फ्रंट फेस बनाने के लिए मैं इतना मोल्डेड ले रही हूँ। इसे मैं हाथ से इस तरह से रोल कर दूंगी। ये देखिए, नीचे की तरफ हमें जरा सा रोल कर देना है, ऊपर की तरफ इस तरह से चौड़ा कर लेना है हाथ से। यहाँ मोल्डेड का छोटा सा बॉल लेके यहाँ बीच में इस तरह से फिक्स करके इसे मैं यहाँ दबा लगा दूंगी इस तरह से। यहाँ ऊपर हाथ से इस तरह से इम्प्रेशन दे देना है। और ये दोनों साइड पर कान फिक्स कर देंगे, इसलिए हाथ से इसे दबा के तरह से यहाँ इम्प्रेशन दे दीजिएगा। और राउंड से मैंने ले लिया है, इसे मैं कान बना दूंगी। देखिए, इस तरह से हाथ से दबाना है, इस तरह से हाथ से शेप देख के यहाँ फिक्स कर दूंगी। उसके बाद ये ऊपर की तरफ हमें इस तरह से शेप दे देना है। यहाँ साइड में इस तरह से हाथ से शेप दे दीजिएगा। से ट्रंक बनाऊंगी, ये देखिए इस तरह से लंबा कर लेना है और नीचे की तरफ जरा सा नैरो कर लीजिएगा। इसे यहाँ लगा दूंगी। ये ट्रंक को ये मुंह के साथ इस तरह से मिला देना है। मैं दांत बनाऊंगी, इस तरह से रोल कर लेना है। नीचे की तरफ जरा सा ज्यादा इस तरह से रोल कर दीजिएगा। ये दोनों टस्क को यहाँ साइड में फिक्स कर देंगे। मोल्डेड के छोटे बॉल्स बनाकर ऐसे दबा लेना है और यहाँ ये दांत के ऊपर इस तरह से कवर कर दीजिएगा। अब ये मोल्डेड का काम हो चुका है, इस पर हमें इम्प्रेशन दे देना है। इस तरह से करके यहाँ दो होल निकाल लीजिएगा। पर मैं ब्रश से इम्प्रेशन दे दूंगी। यहाँ ट्रंक पर एक कैप के मदद से इम्प्रेशन दे दूंगी। देखिए, इस तरह से यहाँ दबाते जाना है। ये रैंडमली हमें करते जाना है। ये मोल्डेड कंप्लीट सूख जाने के बाद मैं इस पर व्हाइट एक्रेलिक कलर बेस कलर के तौर पर लगाऊंगी। बेस कोट सूख चुका है, अभी मैं पर्ल ब्लैक और पर्ल मेटालिक सिल्वर यूज करके इस पर कलर करूंगी। कलर सेपरेटली लिया है, इसे मैं पेंट करते वक्त ही शेडिंग दे दूंगी।
यहाँ बैकग्राउंड पर मैं ब्लू कलर डालूंगी। यहाँ पर मैं आग बनाऊंगी। यहाँ पीछे बैकग्राउंड में मैं पिचवाई पेंटिंग करूंगी। पिचवाई पेंटिंग में लोटस फ्लावर्स और लीव्स बनाते हैं। मैंने इस पर रफली पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है। अभी मैं इसे अलग कर दूंगी। इसे हमें वॉल डेकोर बनाने के लिए यहाँ पीछे एक हुक बनाना पड़ेगा, वो मैं आपको दिखाती हूँ। हेयर बैंड से हमें छोटा सा पीस यहाँ कट कर लेना है। देखिए, इसे यहाँ फिक्स करके उस पर मोल्डेट लगा देंगे। अभी ये वॉल डेकोर पूरी तरह बनके तैयार है। ये बन जाने के बाद बहुत ही सुंदर दिखता है। आप भी अपने घर के लिए ऐसा वॉल डेकोर रेडी कर लीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक, और फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।